बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र एनडीए में एमएनएस शामिल हो सकती है। इसी के लिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। वो अपने घर से निकल चुके हैं और पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही राज ठाकरे और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और कल यानी गुरुवार को राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। राज ठाकरे अपने घर से निकल चुके हैं और जो कल दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी, काफी अहम रही थी। और ऐसे में अब राज ठाकरे को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में आज जो उनकी मुलाकात हो सकती है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और इस मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई है। ये भी बताया कि फिलहाल बच्चों की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। यहाँ बाबा कॉलोनी नदी सेफ्टी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ही घर है, दो बच्चों की हत्या कर दी। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको घायल हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग। कितने बच्चों की मौत हुई है? इसको क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनको लोग बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। और आपको बता दें, बदायूं में इस वक्त पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। इलाके में हालांकि टेंशन है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है फिलहाल वहां शांति है, हालात काबू में है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई, लोगों में जबरदस्त रोष था, दो मासूमों की किस तरह से निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। हालांकि जो साजिद है, जो मुख्य आरोपी है जिसने कत्ल को अंजाम दिया, उसे एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया, पुलिस पर उसने वापस गोलियां चलाई थी। और जो उसका दूसरा साथी है जावेद, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है और इस वक्त पूरा परिवार जो है पूरी तरह से सदमे में है। मानव यादव मेरे सहयोगी बदायूं से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, अभी तक डीएम को हमने सुना, पुलिस को हमने सुना, ये पता नहीं चल पाया है कि इस हत्या की, जिस निर्ममता से दो बच्चों को, दो मासूमों को मारा गया, उसका कारण क्या था? अभी इस वक्त किस तरह के हालात? बिल्कुल पंकज, देखिए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं इस पूरे मामले को और डीएम की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अभी हत्या की वजह क्या है ये पता नहीं लगी है। हालांकि एक जानकारी ये जरूर मिली है, क्योंकि जो बच्चों की माँ है वो ऊपर के फ्लोर पर पार्लर चलाती थी और पास में ही साजिद बाल काटने की उसकी दुकान थी, उसका सलून था, तो दोनों में विवाद होता रहता कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन दोनों के बीच संबंध थे, दोनों में बातचीत होती थी और इसीलिए